राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। टाटा की तरफ से आने वाली उनकी नई माइक्रो एसयूवी बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में आने वाली है। टाटा इस गाड़ी को जो है फेस्टिवल सीजन से पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देगा। एंड दोस्तों, ऑफिशियल वीडियो के थ्रू टाटा मोटर्स ने गाड़ी का जो नाम है और जो उसका डिज़ाइन है वो हमारा रिवील कर दिया है। गाड़ी का नाम हमारा पंच रहने वाला है। पहले बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि इसका जो नाम है वो हमारा HBX हो सकता है, हॉर्नबिल हो सकता है, और भी बहुत सारे नाम जो हैं आपने ज़रूर सुने होंगे। बट अब इसका जो है ऑफिशियल नाम हमारा टाटा पंच रहने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में दोस्तों, इस गाड़ी के बारे में मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ, जो कि हमारा ऑफिशियल सामने आया है या हमारा सोर्सेस के थ्रू आया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की वीडियो का करते हैं शुभारंभ। दोस्तों, अगर इस गाड़ी के थोड़े से हम इतिहास के बारे में बात करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट वेरिएंट है, सबसे पहले 2019 के जेनेवा मोटर शो में से शोकेस किया गया था। इस गाड़ी का नाम था H2X। उसके बाद हमारे इंडिया में ही दिल्ली के अंदर जो 2020 में ऑटो एक्सपो हुआ था उसमें इस गाड़ी को शोकेस किया गया था। इसका नाम रखा गया था HBX। एंड गाड़ी का जो मॉडल हमारा पेश किया गया था वो हमारा 80% के अराउंड प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट था। एंड तभी से दोस्तों इंडियन मार्केट में इसका इंतज़ार होना शुरू हो गया, क्योंकि एक तो इसका जो बजट था वो काफ़ी अच्छा रहने वाला था, काफ़ी बजट फ्रेंडली हमारी कार रहने वाली थी। एंड दूसरा, इसका जो डिज़ाइन है और जिसमें हमें फीचर मिलने की आकांक्षा थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा इसके डिज़ाइन लैंग्वेज और फीचर हमें मिलने वाले। दोस्तों, ये टाटा की जो पंच है ये हमारा अल्फा प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है। ये सेम प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी टाटा एल्टोस भी बनी हुई है। दोस्तों, जो हमारी HBX नाम से गाड़ी को शोकेस किया गया था उसके हिसाब से अगर गाड़ी के डायमेंशन के बारे में हम बात करते हैं तो इसका जो डायमेंशन है अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उसी के साथ दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक और चार्ट दिख रहा होगा, जिसके चलते हुए इसके जो हमारे राइवल्स रहने वाले हैं उनके हिसाब से इसकी जो डायमेंशन वो कैसे रहने वाली है वो भी हम जो है चेकआउट कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, इस गाड़ी में मिलने वाली जानकारी में बात करें, जान से मेरा मतलब है गाड़ी में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें, तो इस गाड़ी में हमें 2 पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलने वाले हैं। किसी भी तरह का डीजल इंजन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो हमारा पहला इंजन है हमारा 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन रहने वाला है, जो कि हमारा मैक्सिमम 84 BHP पावर प्रोड्यूस कर देता है एंड 130 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है जनरेट कर देता है। एंड इस गाड़ी के अंदर हमें मैनुअल एंड AMD दोनों ही तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शन जो है प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। एंड वहीं पे दूसरे इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी हमारा 1.2 लीटर का ही 3 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट रहने वाली है, बट ये टर्बो चार्ज इंजन रहेगा। जिसके अगर हम आउटपुट्स के बारे में बात करें तो ये हमारा 108 BHP ऑफ पावर प्रोड्यूस कर सकता है एंड 140 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है प्रोड्यूस करता है। इसमें हमें जो है खाली मैनुअल ट्रांसमिशन ही ऑफर किया जाने वाला है। एंड वहीं दोस्तों, जो हमें टाटा ने ऑफिशियल वीडियो के थ्रू गाड़ी को जो है रिवील किया है उसमें खाली हम गाड़ी का जो फ्रंट लुक है और जो साइड लुक है उसी को जो है देख पा रहे हैं। गाड़ी का जो हमारा रियर लुक है या जो इंटीरियर है उसके बारे में टाटा ने ऑफिशियली अभी तक कुछ भी नहीं कहा है या कुछ भी हमारा जो है शोकेस नहीं किया है। बट दोस्तों, अगर हमारा ये जो ऑफिशियल वीडियो के थ्रू डिज़ाइन रिवील किया गया इसको अगर हम ऑटो एक्सपो 2020 में जो गाड़ी दिखाई गई थी उससे कंपेयर करते हैं तो जो हमारा फ्रंट एंड है वो हमारा सिमिलर सा ही है, हमें थोड़े माइनर ही चेंज देखने के लिए मिलते हैं। जिसके चलते वो ये कहा जा सकता है कि जो हमारा रियर एंड है और जो हमारा इंटीरियर है वो भी हमारा जो है ऑलमोस्ट सेम सा ही रहेगा, कुछ माइनर चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पे दोस्तों, गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो देखने में गाड़ी ऐसा लगती है कि यहाँ पे आप जो है मिनी हैरियर देख रहे हैं, बिल्कुल ही हैरियर का ही आपको यहाँ पे लुक देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट में बिल्कुल हैरियर के जैसा ही आपको जो है ऊपर के साथ DRL प्लस इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि हमारे एक ब्लैकआउट ग्रिल के साथ ही कनेक्टेड हैं। एंड सेंटर में आपको टाटा का जो है लोगो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ग्रिल प्रोवाइड की गई है वो हमारी टाटा हैरियर जैसी नहीं है। एंड उसी के नीचे दोस्तों मेन हेडलाइट का हमें सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें हमारा प्रोजेक्टर का सेटअप हमें देखने के लिए मिलता है, हाई बीम एंड लो बीम। एंड ये सिमिलर सेटअप है जो कि आपको हैरियर में देखने के लिए मिलता है। एंड उसी के नीचे हमारे बम्पर में हमें फॉग लैम्प इंक्लूडेड देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड जो हमारा बम्पर का लोअर एंड है वहाँ पे आपको जो है नेक्सोन की याद आ जाएगी, यहाँ पे आपको जो है ट्राई एलिमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पे दोस्तों, अगर हम साइड प्रोफाइल को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो है सबसे बड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है, जो सबसे एक्टिव चेंज देखने के लिए मिलता है वो आपके इस गाड़ी के व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं। बिल्कुल ही
नए डिज़ाइन के मशीन कट आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड कुछ सोर्सेज के हिसाब से ये जो एलॉय व्हील्स हैं हमारे 16 इंच के रहने वाले हैं। वहीं पे आपको जो है ड्यूल कलर का ही ORVM देखने के लिए मिल जाता है एंड ड्यूल कलर ऑप्शन भी इसमें प्रोवाइड किए जाने वाले हैं अगर हम इमेज को भी ध्यान से देखते हैं। उसी के साथ जो दूसरा हमारा नोटिसेबल बड़ा चेंज है वो हमारा रियर डोर का हमारा डोर हैंडल है, वो आपको जो है हमारे स्विफ्ट की तरह ही विंडो में देखने के लिए मिल जाता है। एंड वहीं पर दोस्तों गाड़ी के स्पोर्टीनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको जो है डिजाइनर एंड काफी बड़े क्लैडिंग जो है देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी के चारों तरफ। तो दोस्तों एक चीज क्लियर है कि काफी जोरदार इसके हमारी रोड प्रेजेंस जो है रहने वाली है। वहीं पर दोस्तों अगर हम रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया जो हमारे ऑटो एक्सपो में गाड़ी शोकेस की गई थी उसी से मिलते जुलते हमारा रियर प्रोफाइल रहने वाला है। तो रियर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ट्राई कलर के इफेक्ट वाली ही LED टेल लाइट देखने के लिए मिलने वाली है। एंड बाकी दोस्तों यहाँ पे भी हमें जो है स्टाइलिश एंड मस्कुलर रियर देखने के लिए मिल जाता है एंड यहाँ पे भी जो हमारा बम्पर है काफी बोल्ड एंड काफी हैवी रहने वाला है। वहीं पे दोस्तों अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है फ्लोटिंग स्टाइल वाली 7 इंच की टच स्क्रीन या इन्फॉर्मेटिव सिस्टम आपको जो देखने के लिए मिलने वाला है और ये सेम इन्फॉर्मेटिव सिस्टम है जो हमें टाटा की दूसरी गाड़ियों में भी देखने के लिए मिल जाता है। सिंगल ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ पे हमें जो है रेक्टेंगुलर शेप के AC वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे एंड उनके अराउंड हमें जो है बॉडी कलर क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। फ्लैट बॉटम टाइप का स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा एंड स्टीयरिंग व्हील पे हमें जो है कुछ कंट्रोल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड हमें जो एल्टोस के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है, एनालॉग एंड डिजिटल सेम यूनिट आपको जो है यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है। उसी के दोस्तों आपको जो है इस सेगमेंट की गाड़ी में जो फीचर देखने के लिए नहीं मिलता वो यहाँ पे भी आपको जो है कम्फर्ट फीचर प्रोवाइड किया गया है जो कि आपको ये है कि यहाँ पे जितनी भी हेडरेस्ट हैं वो सारे आपको एडजस्टेबल वाले प्रोवाइड किए गए हैं। अगर हम जो है रियर सीट्स के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स रहने वाली है, यहाँ पे आपको जो है आर्मरेस्ट भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला है। एंड उसके दोस्तों अभी तक जितनी भी हमारी स्पाई इमेजेस आई हैं इसके इंटीरियर या एक्सटीरियर से रिलेटेड उनको अगर हम कंपेयर करते हैं ये जो हमारा ऑटो एक्सपो वाला वेरियंट है तो ऑलमोस्ट सेम आपको जो है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि यही इंटीरियर एंड यही रियर आपको जो है देखने के लिए मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले फीचर तो टाटा ये क्लेम करता है कि अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छे एंड यूनिक फीचर लेके आने वाली है एंड काफ़ी लंबी चौड़ी इसके फीचर की लिस्ट रहने वाली है। तो इसके अगर हम एक्सटीरियर एंड इंटीरियर में मिलने वाले हैलोजन फीचर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें फ्रंट में जो है हैलोजन हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं, LED DRS देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके दोस्तों यहाँ पे हमें जो है नए डिज़ाइन के मशीन कट एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी का दोस्तों यहाँ पे हमें जो है ड्यूल कलर ORVM प्लस ड्यूल टोन कलर ऑप्शन जो है प्रोवाइड किया जाने वाला है। उसी का दोस्तों यहाँ पे हमें जो है LED टेल लैम्प प्रोवाइड किया जाता है, 7 इंच का हमारा है इंफॉर्मेटिव सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जो कि एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड ऑटोमेटिक AC जैसे फीचर्स इसमें हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी दोस्तों यहाँ पे जो है हमें हरमन का ऑडियो सेटअप देखने के लिए मिल जाता है विद 8 स्पीकर्स। उसी के साथ दोस्तों इसमें हमें जो है रियर माउंटेड कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है, मीन्स रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। हमारा यहाँ पे फ्लैट बॉटम टाइप का हमें स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है जिस पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटो फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVMs हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। कीलेस एंट्री एंड पोस्ट स्टार्ट स्टॉप बटन, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ हमारा स्टीयरिंग व्हील आता है, ऑल पावर्ड विंडोज एंड हमारी जो ड्राइवर की विंडो है वो हमारी वन टच फंक्शन के साथ आती है, डे नाइट IRVM, रियर डिफोगर, रियर वॉशर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, एक्सप्रेस कूलिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप जैसे फंक्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर दोनों में हमें आर्मरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, क्रूज कंट्रोल भी प्रोवाइड किया गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइविंग मोड्स भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी में से हमें कनेक्टेड कार के भी फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों में ही हमें जो है चार्जिंग सॉकेट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं एंड वहीं पे इस गाड़ी में हमें पंचर किट भी दी गई है। अब बात करते हैं गाड़ी में मिलने वाली सेफ्टी के बारे में। तो दोस्तों जो हमारी टाटा है वो हमारी पहले से फेमस है सेफ्टी के लिए, काफ़ी अच्छी गाड़ी जो है बनाती है सेफ्टी के मामले में। एंड दोस्तों यहाँ पर टाटा ने भी क्लेम किया है कि आपको बेस्ट इन सेगमेंट यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑफिशियली सेफ्टी फीचर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई भी हमारी लिस्ट सामने नहीं आया
गया है ये। फिर भी दोस्तों कुछ अगर हम सोर्सेस के माने तो इस गाड़ी के अंदर हमें जो है एबीएस विद ईवीडी देखने के लिए मिलेगा, ड्यूल एयरबैग्स देखने के लिए मिलेंगे, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स। ये फीचर तो वो फीचर है जो कि आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी एज एन स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर। बाकी अगर हम कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी टाटा की नेक्सॉन है उस गाड़ी के अंदर हमारे जो सेफ्टी फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं वही सेम फीचर्स आपको जो है इस गाड़ी में भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। जिसके चलते हुए दोस्तों इसमें हमें जो है व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट स्टॉप एंड डिस्क ब्रेक वाइपिंग जैसे सिस्टम या बस में फीचर भी जो है हमें टॉप एंड वेंट पर देखने के लिए मिल सकते हैं। अब दोस्तों मेन मुद्दा आता है कि गाड़ी का हमारा प्राइस क्या रहने वाला है। तो जिस सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च हो रही है और इसमें जो मिलने वाले हमें फीचर्स हैं इन सब के अंदाज से अगर हम जो है इसके प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो उसका जो हमारा स्टार्टिंग प्राइस है वो हमारा 5 से 6 लाख रह सकता है एक शोरूम, और जो टॉप एंड वेरियंट है हमारा कहीं ना कहीं 7 से 8 लाख के बीच में रह सकता है। अब बात करते हैं गाड़ी के लॉन्च डेट के बारे में, तो कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ तो अभी तक सामने नहीं आई है, पर जो हमारा टीजर वीडियो था उसके थ्रू टाटा ने ये तो साफ कर दिया है कि जो हमारा फेस्टिव सीजन है उससे पहले जो हमें टाटा की पंच है वो हमारी ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च एंड रिवील कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमें सारी जानकारी टाटा पंच से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड उसी का दोस्तों अपना प्यार दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तो आपका होस्ट हूं दोस्त शानू, आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटोमॉप। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।